हाई ब्यूटिफुल पीपल आई होप कि आप सब बहुत खुश हैं बहुत अच्छे हैं इंजॉय योर लाइफ एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रांस के स्पाउस वीज़ा के बारे में एंड आज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लन करूँगा कि कैसे आपको फ्रांस का स्पाउस वीज़ा मिल सकता है आज के टाइम में हमारे भारत के बहुत सारे ऐसे मैरिड कपल हैं जो ये प्लान बनाते हैं कि उनको फ्रांस में स्टडी करनी है शादी के बाद एंड साथ में बहुत सारे लोग ऐसे भी जो प्लान बनाते हैं कि उनको जॉब करनी है फ्रांस में बट प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वो इस वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बट उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती उनको पता नहीं होता कि कैसे अप्लाई करना है क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए क्या प्रोसेस है जिसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं हमें भी कॉल करते हैं हमारी वीडियोज़ देखने के बाद तो हम उनको फ़ोन पे एक्सप्लेन करते हैं कि क्या उनको करना पड़ेगा बट आज मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू इंडिया के सभी लोगों को बता दूँ कि क्या पूरा प्रोसेस है क्या रूल्स बोलते हैं एंड क्या आपको करना पड़ेगा ताकि आपसे कोई गलती न हो और आपको ये वीज़ा मिल जाए बट इन केस अगर कोई दिक्कत भी होती है तो हम हम भी आपका ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज़ हमें पूरी इन्फॉर्मेशन होती है पूरी नॉलेज होती है तो हम, हम आपको आसानी से वीज़ा दिला सकते हैं तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हम भी आपकी मदद कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको स्टडी भी करनी है आ, फ्रांस के अंदर तो हम आपका एडमिशन करा सकते हैं टॉप रैंक बिजनेस स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फ्रांस में आपको स्टूडेंट वीज़ा भी गारंटिड दिला सकते हैं इसके अलावा स्पॉस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं आपको जॉब्स भी दिला सकते हैं फ्रांस में आपको वर्क परमिट दिला सकते हैं एंड आपको फ्रेंच लैंग्वेज भी सिखा सकते हैं आपको शेंगन वीज़ा भी दिला सकते हैं सो यू कैन इमेजिन वी डू हैव लॉर ऑफ वी कैन डू लॉर ऑफ़ थिंग्स एंड वी कैन हेल्प यू टू अचीव ऑल द गोल्स जो भी आपका प्लान है हम उसको फुलफिल कर सकते हैं तो हम, आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए हम आपकी पूरी मदद करेंगे इसके अलावा आप अगर आपको कोई सवाल भी पूछना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं आपको आप जब देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हम भी फ्रांस में विजिट कर चुके रह चुके हैं फ्रांस इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप पहली बार हमारे चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिले और आप हमारी फ्रांस की और दूसरी वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकें सो नाउ विदाउट मच अ डू लेट्स गेट स्टार्टेड सो नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट कि भाई कैसे आपको फ्रांस का स्पाउस वीज़ा मिल सकता है तो इसको मुझे आपको समझाने के लिए मैंने दो सिचुएशन क्रिएट किए पहली सिचुएशन हम हम बात करेंगे जो स्टूडेंट होते हैं दूसरी सिचुएशन हम बात करेंगे जिनको जॉब के लिए जाना है कि आप दोनों के लिए क्या स्पाउस वीज़ा का क्राइटेरिया है तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप शादीशुदा हो इंडिया में आप रहते हो एंड अब आपको स्टडी करनी है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्लान होता है कि भाई मुझे स्टडी करनी तो मुझे स्पाउस को भी लेकर जाना है तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है ये बहुत बार हमसे सवाल पूछा जाता है तो मैं थोड़ा सा आपको एलब्रेट करता हूँ समझाता हूँ कि फ़्रांस का लॉ क्या बोलता है अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर जाते हो तो फ्रांस ने बिल्कुल क्लियर किया है कि अगर आप स्टडी वीज़ा पर आते हो तो सबसे पहले जो स्टूडेंट वीज़ा जिसको स्टडी करनी है स्पाउस हस्बैंड और वाइफ कोई भी हो सकता है तो पहले जिसको स्टडी करनी है वो स्टडी वीज़ा लगाएगा एंड फ्रांस में आएगा उसके बाद आपको अपनी स्टडी करनी है एंड आपको जो मिनिमम टाइम पीरियड रखा है वो है अट्ठारह महीने का यानी कि एक स्टूडेंट वीज़ा पर जो आएगा हस्बैंड या वाइफ़ वो अट्ठारह महीने तक पहले फ़्रांस के अंदर रहेंगे अट्ठारह महीने जब आपको हो जाएंगे तब आप एलिजिबल बनोगे इंडिया से अपने स्पाउस को बुलाने के लिए यानी कि अपना वीज़ा अप्लाई करने के लिए स्पाउस वीज़ा तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर मैंने आपको कर दिया बिकॉज बहुत बार सोचते हैं स्टूडेंट्स बहुत सारे एजेंट भी बेफकू बनाते हैं कि नहीं स्पाउस वीज़ा भी लगा सकते हो बट ये नहीं बताते कि कब लगा सकते हो इसलिए मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ ताकि आप किसी की बातों में ना आओ और अपना अपना दिमाग खुद से लगाओ एंड जो रियलिटी मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करो तो अभी की ये सिचुएशन है कि अट्ठारह महीने का टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा स्टूडेंट वीज़ा पे उसके बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हो अभी का ये रूल है बट इन फ्यूचर अगर कुछ चेंज होगा तो आप हमें सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज हम हमेशा अपडेट देते रहते हैं कि भाई नए रूल्स क्या आ रहे हैं तो आपसे कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी एंड कोई कोई लेटेस्ट अपडेट मिस नहीं होगी तो इस चीज़ के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना तो आई होप मैंने पहले सिचुएशन अच्छे से बता दिए कि स्टूडेंट पहले जाएगा स्टूडेंट एंड देन देटीन मंथ्स का टाइम आपका रहेगा उसके बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हो तो इस पूरे प्रोसेस का आपको ध्यान रखना है सुनाओ so अब मैं आपको बताता हूँ कि दूसरी सिचुएशन में फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैरिड कपल हैं एक स्पाउस जो है हस्बैंड या वाइफ उनको जॉब मिल चुकी है फ्रांस में तो आपके लिए क्या प्रोसेस है तो अगर आप इंडिया में मैरिड हो आपके एक स्पाउस को जॉब मिल चुकी है फ्रांस की किसी कंपनी से तो आपकी सिचुएशन में स्पाउस वीज़ा का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है कि अगर आप चाहते हैं जिस स्पाउस को जॉब मिली है वो तो अपना वर्क परमिट अप्लाई करेगा बट अगर आपका स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना तो आप साइमल्टेनियसली साथ में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहते हो बाद में करना तो बाद में भी कर सकते हो आपको पहले वीज़ा मिल जाए और वर्क परमिट आपको मिल जाए तो उसके बाद भी प्रोसेस कर सकते हो तो आपकी सिचुएशन में दोनों ऑप्शंस ओपन है आप चाहें तो साथ में अप्लाई कीजिए या आप चाहते हो पहले आपका वीज़ा लग जाए वर्क वीज़ा उसके बाद आप अपने स्पाउस का वीज़ा लगा सकते हैं तो इस तरीके से आपके आ, वर्क वीज़ा की सिचुएशन में ये काफ़ी आसान है बट बहुत ज़्यादा फैक्टर्स ये भी होते हैं कि आपकी जॉब की नेचर क्या है आपकी सैलरी का थ्रेश क्या है तो वो भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिटर्मिन करते हैं स्पाउस वीज़ा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा बट इन मोस्ट ऑफ़ द केसेज़ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई टुगेदर और सेपरेटली भी तो या इस अच्छे प्रोसेस का भी आपको ध्यान रखना आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर दी दोनों सिचुएशन तो दोनों को आपको आंसर मिल चुका है तो कीप इन माइंड एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे जब भी आप स्पाउस वीजा अप्लाई करोगे दोनों सिचुएशन में चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पर हो या फिर आप अपने जॉब वीज़ा पर आप हो बिकॉज डॉक्यूमेंट्स भी आपको पता होना चाहिए उससे आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि जब भी आपको स्पाउस अप्लाई करना तो जो स्पाउस हस्बैंड या वाइफ फ्रांस के अंदर रहते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको अपना जो रेजिडेंस परमिट है जो भी परमिट आपके पास है उसकी एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए इसके साथ साथ आपका कह सकते हैं कि बैंक स्टेटमेंट भी बहुत जरूरी है कि आपके पास फ्रांस के अंदर कितना पैसा है इवन जो इंडिया में आपका स्पाउस है उसके पास भी बैंक फंड है तो वो भी बहुत अच्छी बात है उससे प्लस पॉइंट होता है एंड जो जो एक थ्रेश होल्ड रखा है फ्रांस की सरकार ने अगर आपके पास फॉर एग्जांपल स्पाउस वीज़ा जब आपको अप्लाई करना है तो आपके पास मेक शोर करना है कि आपके पास पंद्रह सोलह सौ यूरो होने चाहिए टू परसेंस के मैनेज करने के लिए वेलबिंग uh, well का ध्यान रखने के लिए पंद्रह से सोलह सौ इससे ज़्यादा अमाउंट होगा तो आपका केस हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा बिकॉज तो आपको पता है फ्रांस थोड़ी सी एक्सपेंसिव कंट्री है तो उन्होंने जो वो चाहते हैं कि इतना पैसा तो आपके पास हो ताकि हस्बैंड वाइफ साथ में अच्छे से रह सके तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है अगर आपकी जॉब है तो आपका चाहे स्टूडेंट वीज़ा पे आप जॉब कर रहे थे या फिर आपकी फुल टाइम आपकी जॉब है तो आपका जॉब का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना चाहिए एंड आपकी सैलरी स्लिप होनी चाहिए ताकि पता लगे आपकी कितनी सैलरी है इसके साथ साथ आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी फोटोग्राफ्स की जरूरत पड़ेगी तो मोरोलेस ये डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी आपको एक इनविटेशन लेटर की भी जरूरत पड़ेगी सो so ये मोरलेस ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने जब भी आपको वीज़ा अप्लाई करना है तो मेक श्योर sure कि आप पहले से प्रिपेयर हो जाओ इन चीज़ों के लिए ताकि आपको बाद में कोई गलती ना हो एंड आपको स्मूथली वीज़ा मिल जाए सो आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ अब समझा दिया इस वीज़ा को लेकर तो अब आप अप्लाई कर सकते हैं खुद से एंड अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बिकॉज हम फ्रांस में रहते हैं हमें बहुत एक्सपर्टीज़ है तो हम ये वीज़ा दिलाने में हमें कोई दिक्कत आसानी हमें बहुत आसानी है ये वीज़ा दिलाने में आपको तो आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो हम आपको वीज़ा दिला सकते हैं आपकी पूरी मदद कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में पूरे प्रोसेस के अंदर सो या कॉन्टैक्ट है so, उसके अलावा अगर आपको स्टडी भी करनी है तो आपका स्टूडेंट वीज़ा भी लगा सकते हैं आपको एडमिशन करा सकते हैं आपको वर्क वीज़ा दिला सकते हैं जॉब्स भी दिला सकते हैं फ्रांस के अंदर अकोमोडेशन में हेल्प कर सकते हैं इसके अलावा आपका शैंगन वीज़ा भी लगा सकते हैं एंड सबसे बेस्ट चीज़ हम फ्रेंच लैंग्वेज भी सिखाते हैं सो so, अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको हमारे पास ही सारे सोलूशनस मिल जाएंगे एंड दैट्स द बेस्ट एडवांटेज यू कैन हैव विद विद अस सो आप हमें अप्रोच कीजिए इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं जैसा आप हमें फॉलो कीजिए हमसे सवाल पूछिए हम आपको रिप्लाई करेंगे ताकि आपको आंसर मिल सके एंड कमेंट में भी आप लिख सकते हैं इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करना शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको डेली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ फ्लॉक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए